नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी ने जनपद में रूट का किया सर्वे। जिलाधिकारी ने कहा शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को आईटीएमएस कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है आईटीएमएस, जनपद में होने वाले अपराध पर भी लग रहा है लगाम। एक सौ बाईस क्रय केंद्रों पर जनपद में धान खरीदारी का कार्य हुआ शुरू। 271 कुंतल की अभी तक हो चुकी है धान की खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अक्टूबर को ग्राम डांगीपार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को खुरावार थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त शिवम राय को खुरावार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एक सौ सैतालीस ग्राम अवैध नशीले अल्प्राजोलम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेगी सभी मशीनें। वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। 21 ब्लॉक के विद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शनी में लिया प्रतिभाग। उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने वाले विद्यालय के छात्रों को किया गया सम्मानित। कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे का किया गया आयोजन। फादर बेनी ने कहा मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का है विकास। माध्यमिक विद्यालय के दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने खेल में दिखाया अपना प्रतिभा। मुख्य अतिथि ने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ले सकेंगे भाग। और अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे किया पूजा परिक्रमा। कहा आंवले के वृक्ष में इस दिन भगवान विष्णु का होता है वास। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति। अब खबरें विस्तार से। जनपद में मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी ने रूट का सर्वे किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी को टेंडर दिया गया है, जिसका जीपीआर 18 महीने पहले बना लिया गया था और रूट का सर्वे भी कर लिया गया है। रूट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। कुछ दिन पहले भी कंपनी के अधिकारियों ने सर्वे किया है। जल्दी ही शासन से परमिशन मिलने के बाद कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा तो अराउंड एक से डेढ़ साल पहले वो लोग अपना यहाँ का डीपीआर इन्होंने बना लिया था। अभी कुछ दिन पहले आए थे ये लोग, एग्जैक्टली फिर वही पूरा रूट सर्वे उन्होंने कर लिया है कि रूट्स में किसी प्रकार का चेंजेस तो नहीं है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनका अप्रूवल होना है, तो जस्ट उनको ये चेक देखना था कि किसी प्रकार का कॉस्ट एस्केलेशन या रूट्स में कुछ वेरिएशन तो नहीं है। तो वो लोग संतुष्ट हैं, संतुष्ट होके गए हैं, तो शीघ्र ही इसमें आपको कुछ इसमें उचित निर्णय। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को नगर निगम स्थित आईटीएमएस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि जनपद के सभी चौराहों का निरीक्षण किया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी भीड़ लग जाती है, वहां पर थोड़े से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आईटीएमएस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, इस जनपद में होने वाले अपराध पर भी लगाम लग रहा है। सभी वाहनों का चालान चौराहों पर लगे
सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है। जो लोग जनपद में बिना हेलमेट तीन सवारी बैठाकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल से अपने वाहन को आगे बढ़ाता है तो कैमरे के माध्यम से उसको आगाह किया जाता है। यदि वह व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके बाद ही चालान किया जाता है, जिसकी वजह से गोरखपुर ट्रैफिक सिस्टम बहुत कारगर साबित हो रहा है, जो कि 13 चौराहों पर संचालित हो रहा है। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अभी हम लोग कॉन्टिनेंटल इंजन फॉर गुड़गांव 29 बिफोर, बिकॉज CN सर इनोग्रेट ऑलरेडी इनोग्रेट दिस सिस्टम, लेके मैन इनोग्रेट फर्स्ट फेज, आफ्टर दैट वी फिनिश आवर सेकंड फेज इन द मई 2022। सो वी गो फॉर द नेक्स्ट, वी हैव मींस आप देख रही मैम, वी आई कैन ईजी आप देख या जो मैं सकता है एंड वी आर ऑलरेडी यूजिंग दैट वीडियोस वगैरह इस पे डालोगे या जो ट्रैफिक से जितने भी इंस्ट्रक्शन जाते हैं हमें अभी तो हम उसको थ्रो करते हैं, जैसे जो भी आया, जो भी अभी जैसे पिछली बार याद आया था, जो भी मैम सिटीज वाईफाई एप बेसिकली पब्लिक के लिए फ्री वाईफाई के लिए था, तो जैसे गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल और यहाँ के लिए डेटा सेंटर है मैम, और जो सारा जो सॉफ्टवेयर है दे हैड डिप्लॉयड ऑन क्लाउड, तो उसका स्कोप ऑफ वर्क, हाउ मच फंक्शनैलिटी हैव यू अचीव्ड, ऑल 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 एक्सेप्ट फॉर द सिटी वाईफाई, या सिटी वी हैव इंस्टॉल्ड, वी हैव टेस्टेड आल्सो, पब्लिक को आई है वहां पे मैं जिनका भी कोई सामान गुम हो जाता है, जैसे ऑटोस में जा रहे हैं, सिस्टम कुड नॉट गेट द डेटा, तो डेटा नहीं आ पाता, उसकी वजह से फेलियर्स हमें ये मिल पा रहे हैं कि जो भी हमें टाइमिंग्स हमने डाल रहे हैं समटाइम्स दे विल मिसमैच, और ये हैम्पर होने की वजह से समटाइम्स वो टाइमिंग्स गड़बड़ हो जाती है। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने कई पॉइंट्स देखे, यातायात चौराहा देखा और गोरखनाथ मंदिर की तरफ देखा और कलेक्ट्रेट की तरफ देखा, गोलघर में देखा, लगभग पूरा शहर घूम के भ्रमण करके देख लिया। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है काफ़ी हद तक की अच्छी है और काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है, तो उस पर भी मेरे ख्याल से कार्रवाई हो रही है, और काफ़ी जो हमने ITMS का सिस्टम देखा, यहाँ का ITMS का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है, और यहाँ पे रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन का काम पूरी तरह से हो रहा है, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है जिससे हम कई सारे क्राइम्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे जो क्राइम डिटेक्शन का काम ITMS के थ्रू हुआ है वो भी बहुत सराहनीय है, और इसके अलावा जो हेलमेट बिना हेलमेट की राइडिंग है या ट्रिपल राइडिंग है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है गोरखपुर में, क्योंकि मैं जैसे ही गोरखपुर में एंटर हुई तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम मुझे हर चौराहे पे सुनने को मिला, और बकायदा वो नंबर प्लेट पढ़ के उनको शिक्षित भी कर रहे हैं कि साहब रेड लाइट अब हो गई है तो आप रुकिए, स्टॉप लाइन से पीछे रहिए, और फिर यदि वो नहीं मान रहे तो फिर चालान भी कर रहे हैं, तो एक उनको एक शिक्षण का भी मौका दे रहे हैं, और उनको फिर नहीं सुनने पर चालान तो फिर आवश्यक हो ही जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम कूद के हम चालान कर दे रहे हैं, पर उनको पब्लिक को एजुकेट करने की भी भरसक प्रयास हो रहा है, और इस तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैं समझती हूँ यहाँ पे, मैंने और भी शहरों में देखा है यहाँ का काफ़ी कारगर है, और ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स पर ये ऑलरेडी प्रचलित है, तो इससे जो व्यवस्था है काफ़ी मजबूत हो जाती है, एंड कुछ इनके रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम चाहेंगे, जैसे स्टोरेज के रिक्वायरमेंट्स हैं ये वो, उनको हम चाहेंगे कि हम किसी तरह से आगे पूर्ति कर सकें, तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक की ये बात हम लेके जाएंगे,
और आशा है कि उसमें जो आवश्यक गुणवत्ता नहीं आवश्यक अपग्रेडेशन चाहिए हमको स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो संभव हो सकेगा। बाकी जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके संबंध में हम और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं हमारा कार्य योजना है यातायात की जो हमारे ट्रैफिक पुलिस को हमारे निर्देश गए हैं उनका क्रियान्वयन है इस संबंध में हम कल सवेरे चर्चा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस लाइंस का भी भ्रमण करेंगे, ट्रैफिक के जो उपकरण हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे और किस तरह से हम इनको और सुदृढ़ और सशक्त कर सकें इन सभी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जनपद में 122 क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी का कार्य शुरू हुआ जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में 1 नवंबर से धान की खरीदारी का कार्य चल रहा है। इस समय 122 क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी का कार्य चल रहा है। अभी तक 271 कुंतल की धान की खरीद हो चुकी है। इसके अलावा लगातार धान की खरीदारी का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा अगर किसी भी क्रय केंद्र से शिकायत है तो तत्काल सूचना दें, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा 122 केंद्र धान खरीद के लिए हमारा संचालित हो गया है और जो हमें लक्ष्य दिया गया है वो नियरली 180 एमटी का है। अभी तक 271 क्विंटल यानी कल से खरीद हो भी गया है और कुछ और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट देखा जा रहा है अगर कुछ डिमांड आता है सेंटर्स का और भी अकॉर्डिंगली फिर बढ़ा दिया जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर शिकायतें आती हैं तो कृपया हम लोग से संपर्क करें, एडीएम एफआर नोडल है। अगर किसी भी क्रय केंद्र में किसी भी प्रकार की अगर शिकायतें आएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने जांगी पार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान गोविंद निषाद पुत्र अयोध्या निषाद निवासी खैरा लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा मुरलीधर पुत्र रामवृक्ष निषाद निवासी खैरा लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को एक युवक की मूर्ति विसर्जन में चाकू से गोद कर हत्या की गई थी जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जिसको देखते हुए हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुप्ता, अजय कुमार यादव, अजीत यादव शामिल रहे। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में एक अवांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान शिवम राय पुत्र ओमकार राय निवासी जंगल के वटलिया थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उपनिरीक्षक विवेक रंजन, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार सिंह, अजीत यादव, अजय कुमार यादव शामिल रहे। कैंट थाने की पुलिस ने अवैध नशीले अल्प्राजोलम पाउडर के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान अशोक डोम उर्फ चिंकू पुत्र स्वर्गीय बसंत डोम, दूसरा सागर डोम पुत्र स्वर्गीय दीप चंद्र डोम निवासीगण सूर्य विहार कॉलोनी अम्बेडकर नगर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिनके पास से 147 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक नितिन श्रीवास्तव, कांस्टेबल संजीत कुमार यादव, संदीप यादव शामिल रहे।
महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के नवीन भवन में महापौर सीताराम जायसवाल ने फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम ने फॉगिंग और छिड़काव करने वाली 16 गाड़ियां निकाली गई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छिड़काव करके डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन में एक एक वाहन देने के अतिरिक्त 6 वाहन और अतिरिक्त लगाए गए हैं। इन 6 वाहनों में 2 टाटा मैजिक, 2 ट्रैक्टर व 2 जलकल के ट्रक शामिल हैं। संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को कम करने हेतु 10 जोन में फॉगिंग कराए जा रहे हैं। फॉगिंग एवं छिड़काव कार्य में निगम द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए कई बैठकों में कई बार जोनल अधिकारियों एवं सफाई निरीक्षकों को हमेशा से ही निर्देशित किया जाता रहा है कि अपने अपने जोन में साफ सफाई, छिड़काव, फॉगिंग एवं डस्टिंग आदि कार्यों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करते रहें। इस अवसर पर पार्षद संजय श्रीवास्तव, आलोक विशेन, सहायक अभियंता अखिलेश श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं समस्त जोनल अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नगर निगम के अंदर स्वास्थ्य विभाग से पता चला है कि कुछ इलाकों में डेंगू का प्रकोप है, चिकनगुनिया का प्रकोप है। नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 गाड़ियां आज निकाली है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के जहां पर डेंगू की आशंका है या जहां डेंगू को लोगों को हुआ है वहां पर छिड़काव करके डेंगू के लावा को नष्ट करने का काम करेगी। और ये तत्परता के साथ हम लोग सोडियम क्लोराइड भी छिड़कवा रहे हैं, जो कोरोना काल में हम लोगों ने छींटा था सड़कों पर, उससे हमारे सभी मच्छर जो भी वातावरण में फैले होंगे मर जाएंगे, उसमें डेंगू के मच्छर भी मर जाएंगे। और इस खतरे से शहर को बचाने में नगर निगम बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए किया है। 16 गाड़ियां आज गई हैं और भी गाड़ियां हम लोग कल से इसकी संख्या बढ़ाएंगे। इस काम के लिए हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे पार्षद, सभी लोग सक्रिय भूमिका उभार रहे हैं। पार्षदों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ डेंगू फैला है उसकी सूचना नगर निगम को दे और उस पर नगर निगम त्वरित कार्रवाई करेगा, जैसे आज से शुरुआत कर दी गई। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी ने जनपद में रूट का किया सर्वे। जिलाधिकारी ने कहा, शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू।
एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को आईटीएमएस कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है आईटीएमएस, जनपद में होने वाले अपराध पर भी लग रहा है लगाम। एक सौ बाईस क्रय केंद्रों पर जनपद में धान खरीदारी का कार्य हुआ शुरू। 271 कुंतल की अभी तक हो चुकी है धान की खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अक्टूबर को ग्राम डांगी पार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को खुरावाड़ थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त शिवम राय को खुरावाड़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एक सौ सैतालीस ग्राम अवैध नशीले अल्प्राजोलम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेगी सभी मशीनें। वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। 21 ब्लॉक के विद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शनी में लिया प्रतिभाग। उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने वाले विद्यालय के छात्रों को किया गया सम्मानित। कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे का किया गया आयोजन। फादर बेनी ने कहा, मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का है विकास। माध्यमिक विद्यालय के दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने खेल में दिखाया अपना प्रतिभा। मुख्य अतिथि ने कहा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ले सकेंगे भाग। और अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे किया पूजा परिक्रमा। कहा, आंवले के वृक्ष में इस दिन भगवान विष्णु का होता है वास। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला के प्रभारी महादेव पांडे ने बताया कि जनपद के 21 ब्लॉक के विद्यालयों की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सभी ब्लॉक के बच्चों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई प्रदर्शनी को लगाया गया है। जिन छात्रों की प्रदर्शनी सबसे अच्छी रहेगी उनको सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला के प्रभारी महादेव पांडे ने कहा, इसके बाद इसमें मतलब आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बना सकते हैं। पुराना हो गया था, पुराना हो गया हो जा रहा है। लाइट चलेगा।
चिपका दिए हैं नाचे के हो गया देखो या जो है विद्युत जनरेट यानी इसमें आपका है दो मैग्नेट के बीच में जब कोई कंडक्टर या चालक पदार्थ होता है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड है तो वह क्या करता है वो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी जो आपका जो आवेश उत्पन्न होता है क्या सप्लाई ली किस तरह के प्रदर्शनी लगी वीर बहादुर सिंह ससाला का मैं प्रभारी हूँ महादेव पांडे। ये प्रदर्शनी लगी है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के इनोवेटिव मॉडल लगाए गए हैं। उन इनोवेटिव मॉडलों से बच्चों के को पुरस्कृत किया जाएगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा उनके मॉडलों को देखा जाएगा कि आज के ज़माने में क्या इनोवेशन उन्होंने किया है और किस तरह के मॉडल लगाए हैं। कितने विद्यालय के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया? इसमें 21 ब्लॉक के विद्यार्थी भाग किए हैं और 5-5 के ग्रुप में हैं। कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में बुधवार को पैडलेगंज स्थित क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे सभी मृत विश्वासियों के दिन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विश्वासियों ने आस्था व श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को याद किया। बड़ी संख्या में मसीही विश्वासी सपरिवार कब्रिस्तान पहुंचे और कब्रिस्तान की सफाई कर फूल माला अगरबत्ती जलाकर अपने पूर्वजों के कब्रों को सजाया और आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना किया। सुबह से ही कब्रिस्तान में विश्वासियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर बाद तक कब्रिस्तान के कब्र सजा दिए गए। हर कब्र पर मोमबत्तियां जल रही थी, फूल रखे गए थे और विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे, जिसके संबंध में फादर बेनी ने कहा कि ईसाई विश्वास के अनुसार 2 नवंबर को ईसाई परिवार के जो लोग दफनाए गए हैं उनकी प्रार्थना किया जाता है और उनको याद करते हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों को याद करना और प्रार्थना करना और उनके द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। इस अवसर पर याजक परम श्रद्धे बिशप थॉमस थिरुमट्टम व सह याजक CST फादर शाबू धर्मप्रांत चांसलर फादर अब्राहम
फादर लिबिन सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर बीनी विभिद पल्ली मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ कैथेड्रल के पल्ली पुरोहित फादर बीनी ने कहा, बस जाएंगे, इतना ही नहीं अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेला रखकर आनंदित हैं। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों के दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा मैं प्यासा था, आ तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं पर गया, मैं बीमार बंदी था, आ तुम मुझसे नहीं मिलने आए, परदेशी नंगा बीमार या बंदी देखा। आज इस कब्रस्तान में हम अपनी परिजनों की आत्मा की मुक्ति मिलने के लिए, अपनी परिजनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। शायद इस वक्त अपने परिजनों के कब्र के सामने रहने के समय आप दुखी हो। कुछ लोग अपने पापा के कब्र के सामने, कुछ लोग अपनी मम्मी की कब्र के सामने, कुछ पतिया कुछ पति लोग अपने पत्नी के कब्र के सामने, कुछ पत्नी लोग अपने पति के कब्र के सामने, कुछ भाई अपनी बहन के और बहन लोग अपने भाई की कब्र के सामने, और कुछ माता पिताएं अपने बच्चों की कब्र के सामने। और मुझे पता है कि इस वक्त आप दुखी हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है आप निराश नहीं। हम सब दुखी हैं, लेकिन हम निराश नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का विकास है। मृत्यु है पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन के लिए योग्य बन जाएगा। सवाल नहीं था आपने आपकी आखिरी पॉलिसी का संस्कार सब किया। फादर बेनी, ईसाई विश्वास के अनुसार
हम लोग 2 नवंबर को अपने क्रिस्तीय विश्वास के जितने भी भाई बहन हैं और अपने परिवारों से जितने प्रियजन मर कर दफनाए गए हैं उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए इस दिन कब्रिस्तानों में एकत्रित होकर वहां पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कितनी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ पर करीब 500 से 600 के संख्या में और भी लोग होंगे, करीब 1000 के आसपास भी हो सकते हैं लोग आकर के इसी दिन प्रार्थना करते हैं। कितने देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम 2 घंटे तक चलेगा। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय की तहसील स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर सुब्रत चटर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुब्रत चटर्जी ने कहा कि खेल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। छात्र अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से अपने आगे के मार्ग को निर्धारित करता है। जीवन में खेल भावना से ही सद्भावना उत्पन्न होती है। इन प्रतियोगिताओं से छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, सफलता आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और असफलता हमें स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर देती है और सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में 800 मीटर फाइनल दौड़ में वरिष्ठ वर्ग बालक में रंजीत यादव महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज प्रथम, अजय यादव MSI इंटर कॉलेज द्वितीय, अमित कुमार DAV इंटर कॉलेज तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में सावित्री निषाद इंद्रासन इंटर कॉलेज बालापार प्रथम, निकिता आर्य कन्या इंटर कॉलेज द्वितीय, संजना कुमारी इंद्रासन इंटर कॉलेज बालापार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद बालक एवं बालिका वर्ग में सभी वर्गों की 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ एवं 400 मीटर दौड़ के हिट्स आयोजित किए गए। इन सभी दौड़ की फाइनल कल क्रीड़ा समारोह के दूसरे दिन आयोजित की जाएगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्ता, जिला क्रीड़ा सचिव जफर अहमद खान, कोषाध्यक्ष किशोर कुमार जायसवाल, पूर्व क्रीड़ा अध्यापक कृष्णकांत यादव, रिपु सुदन सिंह, अनिता कुमारी, ओम प्रकाश त्रिवेदी, राम हरि केशरवानी, विनय पांडे, नवीन कुमार पटेल, अभय प्रताप सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सुरभि त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने कहा, पुष्पार्पण करते हुए आज के आदरणीय मुख्य अतिथि साथ में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी और 74-75 के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सरस्वती वंदना के छात्र आ जाए यहाँ की वंदना वीणावादिनि वरदे वरदे वरदे। मैं स्वागत सम्मान करने की कृपा करें, ये ले जाइए। मुड़ते हुए ध्वजवाहक दौड़ करके कदम ताल और यही जहां कृष्णकांत यादव जी हैं सलामी मंच, अभी पूरी टीम दाहिने देखते हुए आगे जाएगी। जैसे झंडा झुकाया ये सबसे आगे इंटर कॉलेज ने झंडा झुकाया और दाहिने देखिए, दाहिने देखते हुए चलिए। यह महाराणा प्रताप बालिका ये कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज, इनका बड़ा ही सधा कदम है, लगता है इन लोगों ने कुछ अभ्यास भी किया है, अच्छा प्रदर्शन और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए। विद्यालय का नाम बोलिए, विद्यालय का नाम बोल के तो, मैना देवी बालिका विद्यालय, फिर ये दयानंद इंटर कॉलेज देखिए पूर्ण गणवेश में है और NCC के भी बच्चे इसमें दिख रहे हैं, इनका भी जो सबसे इधर दाहिने वाला है पीछे आ जाना चाहिए उसे। ये महिम नारायण शाही महावीर छपरा नेहरू इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे कॉलोनी, आप सब जो है पूर्व अतिथि को मारवाड़ इंटर कॉलेज अपने विद्यालय के गणवेश में है, 3-3 में होना चाहिए, आप 2-2 की पंक्ति में है, अभी सुधार कर लेंगे। और सामने देख दो आप काशन देना है,
वाले का नाम लेकर के दाहिने देख बोलिए। हाँ सब लोग दाहिने देखते हुए चलिए। यहाँ देखिए अभी प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज की बालिका दाहिने देखो, दाहिने देखते हुए एक से इंटर कॉलेज कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज ने मुख्य अतिथि को सलामी दिया। दाहिने सभी देख रही हैं, इनका कदम भी सदा हुआ है। पीछे दयानंद इंटर कॉलेज दाहिने देखते हुए आपको जाना है आगे, उनके पीछे पहला हो गया, एक दो तीन फाइनल नहीं है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के पूर्व ये शहर गोरखपुर शहर तहसील का तहसील स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगण में जो है प्रारंभ हुआ है। ये दो दिन प्रतियोगिता चलेगी और यहाँ पर जो बच्चे चयनित किए जाएंगे सिलेक्ट होंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान वाले वो जो है जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद। अक्षय नवमी पर आज बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने बेतिहाता स्थित हनुमान मंदिर पर आंवले के वृक्ष के नीचे वृक्ष का पूजन, दिया जलाकर अगरबत्ती कपूर फूल मिष्ठान वृक्ष पर वस्त्र चढ़ाकर सिंदूर से टीक कर रक्षा सूत्र आंवले के वृक्ष में बांधकर पूजा परिक्रमा किया। जिसके संबंध में पूजा करने आई महिला श्रद्धालुओं ने बताया कि अक्षय नवमी का दिन महिलाओं के लिए सबसे खास दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष में वास होता है। आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं तो कुछ लोग अपने घर से भोजन लाकर आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। आज के दिन भोजन में बिना लहसुन प्याज का सब्जी हलवा पूरी खाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवला पेड़ का परिक्रमा एवं पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि आज अक्षय नवमी है, सभी हिंदू धर्म के लोगों को इस पर्व के बारे में जानना चाहिए, खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है। अक्षय नवमी पर बचपन से अपनी मम्मी के साथ आकर पूजा करते थे, इस दिन पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आए महिला श्रद्धालु एवं हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा। Thank you.
परमिला, ये विष्णु भगवान की पूजा होता है, आंवला की पूजा होता है कार्तिक के महीने में, और लक्ष्मी जी उनको मनाती है। चार महीने सो जाते हैं विष्णु भगवान जी, इसमें जाए तब लगन खुलता है। ये नहीं मानते हैं तो भोले बाबा आते हैं, शिव जी मनाते हैं तो मतलब उगते हैं तो लगन चालू होता है। इसी कन्या लोग को ब्याह होता है, शादी होता है, पूजा इसी के बहुत महत्व होता है। आंवला का महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। लक्ष्मी निवास करती हैं, पूजा कर विष्णु भगवान को मतलब जगाई हैं, सोए थे विष्णु भगवान को। आंवला चढ़ाया जाता है, अरे अपने ऊपर है जिस जो भी चढ़ जाए इच्छा, आंवला चढ़ाया जाता है, सिंदूर चूड़ी बिंदी लड्डू हलवा पूड़ी जो भी इच्छा है आपको विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए। वंदना शर्मा, ये आंवला नवमी की पूजा है, इसमें आंवला की पूजा की जाती है, आंवला के पेड़ की फेरी दी जाती है, यहाँ बैठ के नीचे खाया जाता है, बस यही सब पूजा होती है, फेरी ली जाती है 108। बस क्या महत्व होता है इस महत्व, यही महत्व है कि आंवला आज मतलब खाना चाहिए, आंवला बहुत वो होता है अच्छा होना चाहिए। क्या फ़ायदा होता है आंवला के नीचे पेड़ नीचे खाने से? यही मतलब भगवान का बनाया हुआ है, इसमें आज के दिन पूजा की जाती है बस। और क्या क्या चढ़ाया जाता है? फल चढ़ा दीजिए, मिठाई चढ़ा दीजिए, आंवला चढ़ा दीजिए, बस यही सब। नंदिनी, आज अच्छे नवमी है और आंवले को अमृत फल भी कहा गया है। आंवले में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, लोगों को शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ पे लोग इस पेड़ की पूजा करती है, ऐसी मान्यता कि यहाँ पे वस्त्र धूप अगरबत्ती चंदन कपूर अगरबत्ती आदि रक्षा सूत्र आदि चढ़ा के हम लोग यहाँ पर विधि पूर्वक पूजन करते हैं। यहाँ पे औरतें काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुई हैं और पूजा कर रही हैं, और यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि खाना बना के भी खाया जाता है, लेकिन लोग अब खाना बना नहीं रहे, घर से बना के लाते हैं। हम भी लोग लेके आए हैं, हलवा पूरी और सब्जी लेके आए हैं, और यहाँ पे मीठे का भोग ज़रूर लगाया जाता है, इसीलिए अच्छे नवमी के दिन। और अच्छे नवमी के दिन वैसे लक्ष्मी जी का भी वास होता है इस पेड़ के, आंवले के पेड़ के नीचे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भोजन करें। और अब इसकी मान्यता बहुत है, यहाँ पे एक कहानी भी हम लोग कहते हैं जिसमें एक बेटा बहू और सास की कहानी होती है। इसमें ये होता है कि सास की पहले लोग सास इतना वो औरत दान पुण्य करती है कि उसकी बहू को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर कहती है कि आपकी माँ तो इतना दान पुण्य कर रही है क्या कि मेरा सारा धन तो लुटा ही देगी ये। एक दिन ऐसा था कि इसको अपनी माँ को ये लोग जंगलों में छोड़ आते हैं, तो वहाँ पर फिर वो एक आंवले के पेड़ के नीचे ये औरत रोती है, तो रोने के बाद ये होता है कि वहाँ पे साक्षात आंवला महारानी ही उपस्थित रहती, कहती है कि तो ये औरत का दिन अच्छा हो जाता है। फिर वो सदा व्रत रखती है, सदा व्रत करने के बाद वो पूरे नगर में आयोजन कर देती है कि हमारे यहाँ लोग भोजन करने आए, यहाँ पे लोग जाते हैं। फिर इत्तेफाक से उसकी बहू भी वहाँ पहुँचती है, देखती है अपनी सास की सेवा करती है, तो वो पहचान जाती है अपनी सास को, तो फिर रोने लगती है कि फिर इसी तरह कहती कि चलिए कोई बात नहीं माँ जी, अब हमें भी ये चीज़ समझ में आ गया है कि आंवले की पूजा करनी चाहिए और दान पुण्य भी करनी चाहिए, आंवले का दान भी देना चाहिए कार्तिक मास में। कितना उत्साह? बहुत उत्साह रहता है इसमें, हमको तो बचपन से उत्साह था और आज भी उतना बरकरार है। मेरा नाम बीना पांडे है। अच्छे नवमी पे बहुत मतलब धार्मिक हम लोगों का मान्यता है कि आज के दिन बस भगवान विष्णु आके आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, इसलिए हम लोग इनका पूजा करते हैं, आंवला चढ़ाते हैं। इस दिन से आंवला हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन से आंवला खाना चाहिए, यही पूजा होता है। और इसके बाद से भगवान देव उतनी एकादशी जिस दिन होती है उस दिन भगवान शंकर इनको जगाते हैं विष्णु भगवान को, इसलिए आज इस पे आकर के विश्राम करते हैं, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। बाकी फिर हम लोग उस दिन जी कितना मान्यता होगी? बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता, मेरी अम्मा दादी जो भी हैं सब लोग, हम लोग जब से बचपन से इनको पूजा करते आ रहे हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाना, फिर ब्राह्मण को इस दिन खिलाना, यही पूजा पाठ है हम लोगों के, मान्यता के अनुसार बहुत ही फलित होता है। अयोध्या पांडे, हनुमानंदन पूरकपुर। आज कार्तिक मास का ये महीना पर्व माना जाता है, बहुत शुभदायक महत्व ये महीना माना जाता है। पूरा एक महीना कार्तिक चलता है, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा स्वयं हो जाती है, और जो आज के दिन में जो मतलब वर्ग हो, मतलब महिलाएं हो, वर्ग हो, पुरुष हो, जो भी हो, आज के लिए पूजा विशेष तौर से मानी जाती है। और आज के दिन में मान लीजिए आंवला की पूजा अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी के दिन में जो आज के दिन में पूजा करता है वह अपने ऐश्वर्य के लिए पूजा करता है, जैसे हमारे भगवान नारायण
मान लीजिए हमारे लक्ष्मी जी, ये सब हमारे सनातनीय धर्म देवता हैं और इनका पूजा करने से मतलब मान लीजिए औला के नीचे हम पूजा कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं तो यह हमारे भगवान नारायण के गोद में स्वयं बैठकर मैं करता हूँ कि यह मतलब इसे विशेष तौर से माना जाए और इसमें हमारे सनातनीय धर्म लोग मानते चले आ रहे हैं, आज हम लोग भी यह मान रहे हैं। कितना महत्व होता है यह हमारे मतलब सनातनीय धर्म में, इसका मतलब कोई महत्ता हमारे पास नहीं है कि कितना मैं मानता हूँ, मतलब अपने आत्मनो निर्भर मतलब बहुत ज़्यादा आत्मा से मैं मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ कि मैं स्वयं लक्ष्मी नारायण के गोद में बैठकर यह पूजा कर रहे हैं अपनी ऐश्वर्य कामना के लेके। इसमें मान लीजिए औला के में यह मान लीजिए मीठा है, फल है और मान लीजिए धूप बत्ती है, दीप बत्ती जला जलाया जाता है, अपना आरती पूजन करते हैं हम लोग और विशेष तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए यह विशेष रूप से पूजा मानते हैं और इसमें हमारा स्वयं यह खास बात यह है कि स्वयं हम लगता है कि भगवान के गोद में बैठकर पूजा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेट्रो को चलाने के लिए जर्मनी की कंपनी ने जनपद में रूट का किया सर्वे। जिलाधिकारी ने कहा शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। एडीजी ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को आईटीएमएस कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कहा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है आईटीएमएस, जनपद में होने वाले अपराध पर भी लग रहा है लगाम। एक सौ बाईस क्रय केंद्रों पर जनपद में धान खरीदारी का कार्य हुआ शुरू। 271 कुंतल की अभी तक हो चुकी है धान की खरीदारी, आगे भी खरीदारी है जारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अक्टूबर को ग्राम डांगीपार में हुए युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को खुरावार थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नाबालिग से छेड़खानी करने के आरोप में एक वांछित अभियुक्त शिवम राय को खुरावार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एक सौ सैतालीस ग्राम अवैध नशीले अल्प्राजोलम पाउडर के साथ दो अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महानगर में संचारी रोग व डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम के फॉगिंग मशीन, हैंड फॉगिंग की मशीन तथा एंटी लार्वा का छिड़काव करने वाले वाहनों को महापौर सीताराम जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का कार्य करेगी सभी मशीनें। वीर बहादुर सिंह नशस्त्रशाला में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी। 21 ब्लॉक के विद्यालयों के छात्रों ने प्रदर्शनी में लिया प्रतिभाग। उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने वाले विद्यालय के छात्रों को किया गया सम्मानित। कैथोलिक डायसिस ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में क्रिश्चियन सेमेट्री में ऑल सोल्स डे का किया गया आयोजन। फादर बेनी ने कहा मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि जीवन का है विकास। माध्यमिक विद्यालय के दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खिलाड़ियों ने खेल में दिखाया अपना प्रतिभा। मुख्य अतिथि ने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ले सकेंगे भाग। और अक्षय नवमी पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने आंवले के वृक्ष के नीचे किया पूजा परिक्रमा। कहा आंवले के वृक्ष में इस दिन भगवान विष्णु का होता है वास। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।